दोस्तों साथियों, गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल सदर शफाखाना यूनानी, गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज यूनानी। दोस्तों साथियों, हम हैदराबाद तेलंगाना के मशहूर मारूफ यूनानी मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज यूनानी है, वहां आए हुए हैं। आप जब नीट का एग्ज़ाम देते हैं और पास करते हैं तो आप यहां से BUMS कर सकते हैं और साथ ही साथ MD जो मास्टर डिग्री होती है वो भी आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं। ये आप हैदराबाद तेलंगाना में बिल्कुल चार मीनार के करीब में वाक़ है, चार मीनार के अपोज़िट साइड में वाक़ है और मक्का मस्जिद के भी अपोज़िट साइड में वाक़ है। ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, मशहूर व मारूफ कॉलेज है। आप जब नीट का एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप यहां पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और नीट के लिए ही सीटें होती है। देख सकते हैं कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा कुशादा बना हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल यूनानी, चार मीनार हैदराबाद, शोबे बैरूनी मरीज़ निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल यूनानी, चार मीनार हैदराबाद। यहाँ पे आप देखा भी सकते हैं आउट पेशेंट और इन पेशेंट, यहाँ पे रहने की भी सुविधा है। खुदा न खास्ते आप, अल्लाह न करे कि आप मरीज़ हों, तो यहाँ पर जो फ्री में भी दिखाया जा सकता है, पूरा दवाई वगैरह फ्री में रहता है, ये देख सकते हैं। तो हम बताते चलें, चूँकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था इसके बारे में, तो आज हम उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जब आप आएंगे तो यहाँ पे सुबह सवेरे OP मेल आउट पेशेंट सुबह सवेरे 9 बजे के बाद खुल जाता है, 10 से 5 बजे तक। आज चूँकि 15 अगस्त है तो इसी हिसाब से ये बंद है, छुट्टी का दिन है। देख सकते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट यूनानी शोबे बैरूनी, यहाँ पे वो बच्चे बच्चियाँ भी आते हैं जो मेडिकल MD करते हैं और रिसर्च वर्क करते हैं। तो जब आप यहाँ आएँ तो इसके बारे में ज़रूर मालूमात हासिल करें। दूसरी बात यह कि ये जो देख सकते हैं गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज, यहाँ पे तालीम दी जाती है, तालीम होती है। ये निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज गवर्नमेंट न्यू ब्लॉक बना है, नई बिल्डिंग, उसके अलावा ये नई बिल्डिंग ये बनी है, ये अभी बिल्कुल न्यू बिल्डिंग है। देख सकते हैं जनरल आउट पेशेंट, ये हुकूमत तेलंगाना की तरफ से ये नई नई बिल्डिंग बनाई गई है। आज चूँकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए सारे अभी बंद हैं। देख सकते हैं ये आप, काफ़ी लंबा चौड़ा है, तज़ीन कारी नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। ये 1938 ईस्वी से ये कायम है, ये गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार वाला। देख सकते हैं जनरल मेडिसिन, मुआलजात, निस्वान कबालत, ऑब्स्ट्रेक्टिक एंड ज्ञानोलॉजी, उसके बाद इल्मुल अदविया जिसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं, तहफुजी व समाजी तिब और कुलियात तिब यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो बहुत सारे हिंदुस्तान भर से लोग, तलबा व तालिबात, यहाँ पे जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद सेंटर चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आप यूनानी मेडिसिन चूज़ करते हैं हैदराबाद और यूनानी तिब्बिया निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज, तो यही कॉलेज है आप उसके लिए। मैं और आगे दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज की शानदार अजीमुशान बिल्डिंग। आप सुबह 9 बजे के बाद से लेकर के शाम के 5 बजे से पहले तक आप यहाँ दिखा सकते हैं। और आजकल मेडिकल की जो तालीम हो जाती है यूनानी मेडिसिन की, उसमें भी न्यू मेडिकल करके तालीम दी जाती है, जिसमें आपको नई नई एजुकेशन, नई नई शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप ये पूरी बिल्डिंग, उसका ये मेन दरवाज़ा है, लिखा हुआ है हेया बैतुल हिकमत व शिफा 1345 हिजरी, और उस पर जो खता लिखा हुआ है, खता वो मुकम्मल फारसी में, इसकी ये पूरा देख सकते हैं बिल्डिंग लिखा हुआ, बयीन रुखे सेहत
براتی حلب کہکشاں را نیر در استار شب گفتی دار شفا عثمان نگر آسی دین محروق در نارے حطب۔ اور یہ اندر کی کافی لمبی چوڑی بلڈنگ ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس میں آؤٹ پیشنٹ اور ان پیشنٹ یعنی ہاسپیٹل میں دیکھنے کی بھی سویدھا ہے۔ یہاں پہ طلباء و طالبات ریسرچ بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور پھر ان کو مریض کو ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے، ہاسپیٹل میں رکھا بھی جاتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلڈنگ پوری کافی لمبی چوڑی ہے اور بالکل چار مینار سے متصل یہ بلڈنگ ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کے اپنے پیارے دوست خوشتر جامعی کو چار مینار نظامی طبی کالج، نظامیہ طبی کالج یونانی سے دیجیے اجازت۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی جگہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس کا دیکھ سکتے ہیں نشان طب اور انوگریشن جو لکھا ہوا ہے، صدر شفا یونانی دوا گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج چار مینار حیدرآباد، سنگ بنیاد 1926 عیسوی میں، قائم شدہ 1929 عیسوی، اعلیٰ حضرت حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر آصف جاہ صاحب حیدرآباد دکن کے ذریعے یہ قیام عمل میں آیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ آپ کے اپنے پیارے دوست خوشتر جامعی کو چار مینار نظامیہ طبیہ کالج سے دیجیے اجازت۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی جگہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔